यहाँ पर एक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का, और इस तरह का फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे ए, दूसरा पॉइंट ये है, इसको बोलेंगे बी, और एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, 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 और एक रेजिस्टर आपका यह लगा हुआ है। और एक और चीज बता दें, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर, टोटल कितने हैं देख लिया होगा, ये सभी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, और इसकी हम बोलेंगे वैल्यू आर, ये भी आपके पास वही है आर, कोई भी रजिस्टर डिफरेंट नहीं है, सभी आइडेंटिकल। यहाँ पे जो एप्लीकेशन और ट्रिक होगी वो एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो हम स्केल रख लेंगे यहाँ पर, ये है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अगर हम ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात कर रही है, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस ब्रांच से, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके इधर और इसके इधर सिमेट्री होने की वजह से देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई वुड रादर से कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करोगे तो वो सेम निकल के आएगा, रादर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, एंड saying that it becomes really useless. तो इसको हम हटा देते, जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास जो एक एंड फिगर बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होएगा, ये है हमारे पास एक एंड फिगर। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगी आपके पास R, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होगी R, ये वाला रेजिस्टेंस होगी R, ये वाला रेजिस्टेंस होगी R, क्योंकि ये R है R, ये एक तरीके से सीरीज बन रहा है, इसी तरीके से ये और ये वाला भी एक सीरीज बन रहा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो अब इसको फाइनली हम सॉल्व कैसे करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इसमें क्या करेंगे आप बताइए। तो एक बड़ा लॉजिकल सी चीज है कि अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि ये वाली ब्रांच और ये वाली सब आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरल है, तो पैरल में हम लोग लिखेंगे 1/r equivalent = इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2r, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में सीरीज में, ये भी हो जाएगा आपका 2r, लेकिन जो आखिरी वाला है इसका रेजिस्टेंस सिर्फ r है, वो हो जाएगा 1/2। अब आप अगर इसको आप कैलकुलेट करो, पता लगाओ, तो ये एक स्टूडेंट एक्टिविटी है, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा, और है बहुत इजी। तो